फिल्म इज आउट एंड आउट एंड फैंटेसी, 2-2.5 घंटे के लिए जो एक सिनेगोर सिनेमा में आता है, तो आप वो उसको अपनी एक दुनिया में लेके जाना होता है। आजकल का जो सिनेमा है वो बेसिकली एंटरटेनमेंट है। एक एक व्यूअर को आपने 2-2.5 घंटे में एक बिल्कुल उसको फ्रेश करके घर भेजना है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश खान। और आज मेरे साथ बहुत ही जबरदस्ती पर्सनालिटी मौजूद हैं। बड़े अरसे से मैं इंतजार कर रही थी, बड़े अरसे से कोशिश कर रही थी कि हमारे बड़े ही जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म स्टार अरबाज खान साहब हमें टाइम दे सकें, और आज फाइनली हमें मौका मिल रहा है कि हम उनसे बात कर सकेंगे। तो अपने शो में वेलकम करते हैं अरबाज खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं बड़े दिन से आपसे भी बात कर रही थी कि अगर हो सके तो प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दें, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपकी फिल्में देखी हैं, आपके गाने और सब कुछ अभी तक चलता है हमारे शो में, तो बहुत लोग पसंद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेरे लिए ये अहम बात है कि आपने मुझे वक्त दिया, आज आपसे बात हो पा रही है। और बहुत कुछ यकीनन आज के इंटरव्यू में मैं हमारे जितने आपके यहाँ पे फैंस हैं कतर में वो आपके बारे में जान सकेंगे। तो सर सबसे पहले तो वही जो एक रिवायती सवाल होता है, ये तो मुझे पता है कि आपका शोबिज में आने का रीजन क्या बना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये बल्कि पता क्या है, ये अब इतना पुराना हो गया ये सवाल कि मेरा ख्याल है कि फैन सबको पता है। और इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 decades, तो मेरा ख्याल है कि सबको पता है कि वालिद साहब मेरे आसिफ खान साहब जो है बिल्कुल उनका भी ताल्लुक इंडस्ट्री से है, और फिर वो ही मुझे लेकर आए। और सैयद नूर साहब जो थे पहले डायरेक्टर थे मेरे, तो उन्होंने मुझे डेब्यू दिया और फिल्म घूंघट थी, और वहां से वो मेरा गाना बहुत हिट हुआ, देखा भी चेहरा तेरा। तो बस उसके बाद से जो है लोगों की मोहब्बत अब तक मिल रही है तो चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, वालिद साहब आपको लेकर आए, तो वालिद साहब ने खुद सोचा था कि पहली ही मूवी से आपको इतना ज्यादा इतनी मकबूलियत मिल जाएगी, क्योंकि आप मतलब रातों रात जैसे ही मूवी रिलीज हुई है तो आप स्टार बन गए थे? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। जब बल्कि घूंघट जब रिलीज होने वाली थी उसके प्रीमियर पे हम गए, तो उससे पहले जो सॉन्ग्स वगैरह थे वो तो वायरल हो ही चुके थे, बड़ी लाइकिंग आ रही थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम इसका प्रीमियर देख रहे थे तो मेरे वाले साहब ने मुझे एक लफ्ज एक एक जुमला बोला कि देखो यहाँ तक तो तुम मेरी वजह से आ, अच्छा। तुम्हें वो धक्के नहीं खाने पड़े जो अमूमन न्यूकमर्स को खाने पड़ते हैं, तुम्हें जो इतना वार्म वेलकम मिला वो मेरी वजह से मिला। यहाँ तक मेरा काम था, घूंघट तक लाना मेरा काम था, इससे आगे जो तुम चलोगे वो तुम अपने बिहाफ पे चलोगे, अपनी मेहनत के बिना पर चलोगे, अपनी तगोदौ के बिना पर चलोगे। तो मैंने ये फिक्रा उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में फिर बाकी मैंने इसको रियलाइज किया। मैंने कहा कि ठीक है, वालिद साहब की एक बैक था नो डाउट, मुझे बड़ा वार्मली को लोगों ने लिया, लेकिन उसके बाद फिर ये कि मुझे मेहनत बहुत करना पड़ी और वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन मतलब जो है वो आप पहला तो आपको मिल जाता है, पहला चांस मिल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आपने रहना है और बल्कि तो कभी कभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब आप सिबलिंग्स में आते हैं ना किसी सुपरस्टार्स के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि वो आपके कोई फेवर में वो चीजें नहीं जाती, वो नेगेटिविटीज में चली जाती है। वजह उसकी ये होती है कि लोग आपको रिलेट करते हैं उस बड़े नाम के साथ, तो अगर आप उससे जरा भी थोड़ा सा कोप अप नहीं करते या ऑडियंस के मायार पर नहीं उतरते तो वो दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड। सही सही बिल्कुल। अच्छा आपके वालिद साहब जो जितना मुझे पता है कि वो एज अ विलन आया करते थे, आपकी जो पहली एंट्री थी, पहले जो आपने काम किया वो एज अ हीरो, और आप हमेशा हीरो रहे पाकिस्तान के, तो ये वाली जो चीज थी वो कैसी थी आपके अंदर? वो था कि मतलब एक जो बाप ने ज्यादा काम किया हो तो एक औलाद के अंदर होता है नेचुरली कि उसी चीज को उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, या फिर आप अपना कुछ अलग मकाम बनाना चाह रहे होते थे? नहीं जैसे मैंने पहले कहा ना कि लोग रिलेट करते हैं आपको उस नाम के साथ कि यार आपके सिबलिंग्स में आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, कोई भी है जब वो, और जितने वो बड़े स्टार होते हैं उतना ही आपको मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। और हमेशा फिर ये होता है कि अगर आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे तो फिर आपकी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाएगी। देखें आप इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं, लेकिन टू बी अ ज़ेरॉक्स कॉपी और टू हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
तो इंस्पिरेशन हमेशा रही वालिद साहब की। और जैसा आपने कहा कि वो विलन ज्यादा किया, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने हीरो भी बहुत किया। अच्छा। और अपनी बहुत सारी प्रोडक्शंस की उन्होंने, काला धंधा, गोरे लोग, शीशे का दिल, लोहे के हाथ, और ये वो फिल्में हैं जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई। और मेरे वालिद साहब को तो ये भी एच था कि वो बयक वक्त तीन जुबानों की में बनने वाली फिल्मों में उन्होंने काम किया, उर्दू, पश्तो और पंजाबी, और वही फिर मुझे भी एजाज हासिल हुआ। तो बात ये कि वो एक्ट हीरो हो विलन हो, आपने अपने आप को मनवाना है, और उन्होंने मनवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत की, बहुत मेहनत की और बहुत नाम कमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मेहनत कर ही रहे हैं तो लोग मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया। अच्छा चलिए, इससे पहले कि हम आगे और बात करें, आपके मूवीज के हवाले से बात करें, मैं जानना चाहूंगी कि वालिद साहब माशाल्लाह एक मशहूर शख्सियत थे, और जैसे आपने बताया उनके प्रोडक्शन हाउस भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घर का सारा सिलसिला तो अच्छा चल रहा होगा। बचपन कैसा गुजरा, वो कैसा बेफिक्री का जमाना था, या क्या उस वक्त आपकी स्ट्रगल्स थी? नहीं, बचपन मेरा बड़ा जो था बड़ा लाडो में गुजरा, क्योंकि मैं इकलौता भाई था सात बहनों का, और बहुत लाड और बड़े नखरों में मैं पला। और मैं तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं अवश्य जब पैम्पर्ड किड, तो कभी कभी जब मैं, अल्लाह बख्शे मेरी वालदा को, मैं उनसे गिला भी करता था कि आपने जो है ना इतने ज्यादा नाजो नखरे जो मुझे बड़ा किए, तो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए एक लेसन भी है कि नो मैटर आप जितने भी खुशहाल हों, अल्लाह करे ऐसे ही रहे, लेकिन हमेशा बच्चे को उन चीजों की वैल्यू करवाएं। जो चीजें बनी बनाई प्लेट में मिल जाती हैं और उनकी फिर बाद में वो वैल्यू नहीं रहती, वो कदर नहीं होती। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की नजर से। तो टू बी ए रोलिंग स्टोन, आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा हार्ड टाइम देना है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो फिर वो हार्डशिप जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा बचपन से उनको उनके साथ थोड़े से आदि रहे हो, इम्यून रहे हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर वो उनका प्यार था, लेकिन ये कि मुझे शुरू के जो दो तीन साल थे कि मैं धूप में खड़ा हूँ और मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फाइटिंग कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो ये था कि डिटर्मिनेशन थी, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने मेहनत बहुत की, मैंने बहुत मेहनत की, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला दिया। तो दुपट्टा से आगाज हुआ था, दुपट्टा के बाद फिर जो मूवीज थी, वो दुपट्टा नहीं, वो फिल्म थी घूंघट, पहले घूंघट घूंघट, और घूंघट हिट हुई थी। उसके बाद फिर असल में मुझे हमेशा हिट नंबर्स बड़े मिले, अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा मेरे साथ, और बड़ा उनका करम रहा अल्लाह की जात का कि मुझे जितने भी गाने मिले, नंबर्स मिले, वो सारे बड़े हिट थे। घूंघट में मुझे मिला देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, उसके बाद फिर दुपट्टा जल रहा है, फिल्म आई हो सके तो मेरा एक काम करो, वो गाना बहुत हिट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्टिंग शायद इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो गाने इतने अच्छे थे कि वो लोगों के जहनों में बैठ गए, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग उसी से रिलेट करते हैं, मेरी जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो उन्हीं गानों से भी होती है। और अच्छा मतलब जो 90s की खासतौर पे जो फिल्में थी, ये वो जमाना था पाकिस्तान का जो बिल्कुल मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस खत्म हो रही थी मूवीज से। 80s में बड़ी जबरदस्त, 70s में बड़ी जबरदस्त फिल्म्स आई हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगी क्योंकि मैंने आपकी मूवीज देखी हैं, मतलब जो बाद में उसको लगा के देखा, दुपट्टा जल रहा है, घूंघट, दोनों मैंने देखी, तो वो दोनों मूवीज ऐसी हैं जो कि किसी टॉपिक पे थी, मतलब उसमें एक मैसेज दिया गया था प्रॉपरली। तो ये भी एक मतलब बड़ी चीज थी कि पहली फिल्म तो डेफिनेटली आपकी चॉइस नहीं होगी, या फिर आपने स्क्रिप्ट देखा था उस वक्त भी, किसी ने गाइड किया था आपको कि स्क्रिप्ट जरूर देखना? नहीं नहीं नहीं, इतनी तब तो सेंस थी नहीं, वो तो वालिद साहब ही मुझे लेकर आए। मैं तो एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था, ऑल ऑफ अ सडन मुझे वेकेशन में लाया गया, तो मुझे कोई सेंस नहीं थी स्क्रिप्टिंग की, क्या होना है क्या नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर था कि बैनर अच्छा है, डायरेक्टर अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आउटकम भी अच्छा होगा, और वही हुआ, एक अच्छी टीम के साथ में आया। तो उसके बाद फिर चीजें समझ आती हैं कि आप जब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ गलतियां मेरे से शुरू में हुई कि मुझे जो फिल्म मुझे शुरू में थोड़ी नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही है ना, कि आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको अंदाजा होता है। बिल्कुल। अच्छा, दुपट्टा जल रहा है वो मैंने देखी थी, और उसका जो टॉपिक था वो जहेज के ऊपर था, तो काफी मतलब अच्छी मूवी थी, अच्छा स्क्रिप्ट था उसका, और उसमें एक मैसेज था
जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो यही कि नॉर्मली होता है कि एंटरटेनमेंट की चीज है तो हम लोग उसको यूजुअली एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, उससे कोई मैसेज वगैरह नहीं निकलता। तो आपको वो मूवी डेफिनेटली उसने एक पैगाम भी दिया था पाकिस्तानी माशरे को, और अब इतने साल गुजर गए, तकरीबन कोई अच्छे खासे साल हो गए, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारे माशरे में वो चीजें किसी हद तक कम हो रही है, ये जो मीडिया कोशिश कर रहा होता है अपने तौर पर अवेयरनेस की? देखिए, फिल्म जो बनती हैं वो असल में हमारे माशरे की ही अक्कासी होती है। और आप जो फिल्म में आप जो भी कैरेक्टर आप रोल आप प्ले कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक जिंदगी से ही एक लिया हुआ एक अकज किया हुआ एक कैरेक्टर होता है। और डेफिनेटली आप नाम लाइफ में भी आप एक अच्छे बेटे भी होते हैं, एक अच्छे भाई भी होते हैं, एक अच्छे बाप भी होते हैं, और आप पे जिम्मेदारियां भी आती हैं, फिर आपको उन चैलेंजेस को भी फेस करना होता है जो दुनिया में जो जिंदगी में आपको आती है सामने। तो उसको थोड़ा सा जो है ना हम फैंटेसाइज करके एक फिल्म बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हम एग्जैक्टली उसी चीज को लेके प्रोपेगेट करें तो लोग शायद इतने टेंस हैं, हर बंदा ही अपनी जिंदगी में इतना टेंस है कि आप उनको उस तरह से ना एंटरटेन करते नहीं है। सो फिल्म इज आउट एंड आउट एंड अ फैंटेसी, 2-2.5 घंटे के लिए जो एक गौर सिनेमा में आता है, तो आपको उसको अपनी एक दुनिया में लेके जाना होता है, उसको अपनी दुनिया बुलाकर जो भी उसके गम है सब कुछ। तो आजकल का जो सिनेमा है वो बेसिकली एंटरटेनमेंट है, एक एक व्यूवर को आपने 2-2.5 घंटे में एक बिल्कुल उसको फ्रेश करके घर भेजना है। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा फैंटेसिज्म करना पड़ता है। एक 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 हीरो है वो 20 लोगों को मार रहा है और वो गाने भी गा रहा है और वो कॉमेडी भी कर रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है तो फिल्म भी चेंज होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा हुआ कि जैसा पता है आपको कि बिल्कुल ही पिछले चंद सालों से इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है, लोग इतने परेशान है। तो बेसिकली जो फिल्म फिल्म है ना वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है सरकमस्टांसेस के साथ। तो फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी डिक्लाइन है आजकल और वो इसी वजह से है, लेकिन इंशाल्लाह देखें मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो इंडस्ट्री भी अच्छी है। सही कर। अच्छा, आपकी लुक्स माशाल्लाह से, मतलब हर कोई तारीफ करता है, माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग हमेशा रहे हैं, और आपकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने काम कम किया, ये क्या वजह रही? नहीं, काम मैंने कम नहीं किया। देखें अगर आप मेरा एरा देखें तो मैं 90s के तकरीबन मिड ऑफ 90s में आया था, 95 में घूंघट जो थी वो रिलीज हो गई थी फिल्म। उसके बाद मैंने काम किया, काफी फिल्मों में काम किया, लेकिन बाय 2000 जो है वो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ही वैनिश हो गई। आप देखें, आप एनोलॉजी करें या हिस्ट्री देखें तो 2000 में फिल्में बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो गई और फिल्म इंडस्ट्री मूव हो गई कराची की तरफ। कराची भी नहीं बल्कि एक टेलीविजन इंडस्ट्री जो थी ना वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गई। तो मैंने टेलीविजन सीरियल्स भी काफी किए, मैंने काफी काम किया, लेकिन शुरू से जो है वो मेरा पैशन फिल्म रहा है। तो जब फिल्म ना बनी तो फिर मैंने थोड़ा सा मैंने मैनूवर किया, मैं अपनी रीजनल जो जुबान में बनने वाली फिल्म है पश्तो, मैं उस तरफ चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां पे भी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। हमने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया, पश्तो फिल्म की लुक चेंज की, कॉस्ट्यूम चेंज किया, म्यूजिक चेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आई मीन ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड इवन ड्यूरिंग कोविड भी दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज बंद थी लेकिन पश्तो फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो वन वे और दी अदर वो चलती ही रही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फिर एक दौर आया बीच में उर्दू फिल्म का, मैं नहीं कहूंगा वैसा दौर अभी भी नहीं आया जो एक हम फिल्म मटेरियल लैक करते हैं, जो सिने गोर हमें आज भी उस चीज का गिला करते हैं। तो हम उस कोशिश में हैं, बल्कि 2018 में मैंने एक उर्दू फिल्म भी बनाई थी, डायरेक्ट भी की थी राउंड अबाउट के नाम से। और वो फिल्म बड़ी अच्छी, उसने उसने स्टार्टअप लिया था लेकिन फिर 2019 में अगर आपको पता हो कि वो बड़ा ज्यादा फ्लड आया था जिन दिनों में जून जुलाई में, उसकी वजह से वो फिल्म थोड़ा सा वो हुई। तो 2020 में जब हमने उसको रिलीज करना चाहो तो कोविड आ गया। तो बस ये प्रॉब्लम्स हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी पश्तो की वो चल रही है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी ईद पर मेरी 2 फिल्में रिलीज थी, एक मैंने डायरेक्ट भी की, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के केपी के जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटेड प्रोविंस रहा रिगार्डिंग आप टेररिज्म कह लें हर तरह से जिस तरह भी,
लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो है वो आते हैं सिनेमा हॉल्स में, हालांकि वो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतना अपग्रेडेड सिनेमा नहीं होता, लेकिन दे स्टिल लव देयर कल्चर, देयर हीरो, देयर लैंग्वेज, जिसकी वजह से फिल्म चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिल्म जी हमेशा मैं करूंगा ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, मैं कभी कुछ बुरा नहीं कहता, मैंने किए, मैंने बहुत टेलीविजन सीरियल्स किए, अभी भी मेरी दो सीरियल ऑन एयर हैं और दो आने वाली हैं मैडम संगीता के साथ डायरेक्शन में, दो बूंद पानी और बुलेशा। अच्छा, तो मैं हमेशा से जो है ना वो बड़ा एक स्टीरियोटाइप का काम मैंने कभी भी नहीं किया, जिस तरह की हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो गई है कि वो एक अच्छे से एक लैविश ड्राइंग रूम तक महदूद हो गई है और वही चेहरे आप बार बार देखते हैं और वही स्क्रिप्ट्स हैं, तो मैं भी थोड़ा बोर हो जाता हूँ। इस तरह की ऑफर्स आती हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं हमेशा से जो है ना फिल्म को ही तरजीह दी है। और बेसिकली फिल्म जो है वो हर किसी की वो एक होता है कि अगर किसी ने टेलीविजन से स्टार्ट किया, थिएटर से स्टार्ट किया, तो उसकी आखिरी मंजिल जो है फिल्म ही होती है, क्योंकि एक लार्जर देन लाइफ जो है वो इंसान को एक मिलती है जगह, और वो हर किसी की मतलब एक मंजिल भी, ख्वाब भी होता है। तो डेफिनेटली जैसे शुरुआत वहां से की हो तो उसके लिए छोटी स्क्रीन पे फिर वो वाला मजा नहीं है। मैंने कहा एक डेफिनेटली हर चीज की जो एक डेस्टिनी होती है, अटमोस्ट डेस्टिनी फिल्म की, आई थिंक या शोबिज की आप कहें कि अटमोस्ट डेस्टिनी जो है ना वो फिल्म की, जो सिल्वर स्क्रीन है वो लार्जर देन लाइफ है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें बहुत कुछ हो सकता है और अभी हो भी रहा है, तो इंशाल्लाह अभी कोशिश में हूँ। एक पंजाबी फिल्म भी मैं अभी प्लान की है, तो देखिए मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो तो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रही थी आपसे कि जैसे आपने भी इस बात को कहा कि मूवीज जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें मतलब जहां भी इतने अच्छे ड्रामे भी हमने प्रोड्यूस किए और हमने बहुत अच्छी मूवीज भी बनाई हैं, अगर हम 70s का एरा जो नदीम बेग साहब और ये सारे लोग हुआ करते थे, तो क्या वजह है कि फिर हम लोग मूवीज में वो वाली चीज नहीं दिखा पा रहे? हम हमेशा ही कहते हैं कि इंडिया को फिल्म्स बनाना आती हैं और हमें ड्रामा बनाना आता है, तो वो कौन सी ऐसी अनोखी स्किल्स हैं जो हमारी यहाँ नहीं सीखी जा सकती? देखें, पता क्या है, ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो फिल्म बनती थी वो बनती थी रॉ मटेरियल के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर, और ये बड़ा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ करता था और उसके लिए सिर्फ स्टूडियोज ही हुआ करते थे, जहाँ पर वो आपके प्रोजेक्शन हॉल्स होते थे, प्रोजेक्टर चलते थे और वो नेगेटिव जो था वो शूट होता था विदाउट मॉनिटर, जो है शूटिंग करते थे, फिर आके वो लैब में वो डेवलप होता था, फिर पॉजिटिव के साथ ऐड होके, तो इट वाज सपोज टू बी वेरी एक्सपेंसिव और एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता था। तो ड्रामा जो थे वो तब भी वो एक टेप पे रिकॉर्ड होती थी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शूटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो नेगेटिव को जो था ना फिल्म्स के लिए हम हमेशा कहते थे कि शूटिंग हो रही है, क्योंकि वो शूट होता था। और टेलीविजन के लिए हम हमेशा कहते थे कि वो जो टेप थी उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती, तो टेलीविजन के लिए हमेशा हम कहते थे कि रिकॉर्डिंग हो रही है और फिल्म के लिए हम कहते थे कि हमारी शूटिंग हो रही है। अच्छा, वो एक दो डिफरेंट मॉडेम्स थे, प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि स्लो एंड स्टडीली वो रॉ मटेरियल खत्म हो गया और सिर्फ ये HD फॉर्मेट, हाई डेफिशिएंसी के जो कैमराज हैं और वो चिप कार्ड आ गया और सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर आ गया, ये सारा कुछ उसमें अब काम हो गया, तो जो डिफरेंस था ना मेकिंग का वो खत्म हो गया। अगर आप देखें अब टेलीविजन के जो कैमराज हैं उनपे भी, उन्हीं पे भी टेलीविजन ड्रामाज भी शूट हो रहे होते हैं और उन्हीं कैमराज पे फिल्म भी शूट हो रही होती है। थोड़ा सा डिफर करता है, कैमरा डिफर करता है, फिर उसकी जो जो प्रपोजिशन होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि उसका क्या रेजोल्यूशन है, 2K है, 4K है, क्या है इस तरह का। तो अब जब डिफरेंस खत्म हो गया तो जिसका भी दिल किया कि यार चलो मेरे पास तो इक्विपमेंट है ही, मैं अगर ड्रामा बना रहा हूं तो फिल्म क्यों ना बनाऊं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे फिल्म और जो ड्रामे में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो एक मेकिंग का है, वो एक टेकिंग का है, कि एक चीज जो आपने एक घंटे में या एक एपिसोड को लेके आप अगर 100 एपिसोड कर लें या 27 एपिसोड कर लें, एक चीज को आपने इतना प्रोलॉन्ग करके 27 डेज तक लेके जाना, और फिल्म जो है वो इतनी कन्फाइंड है कि आपने 2.5 से 3 घंटे में हर चीज जो है वो कन्वे करनी है विद कंडीशन कि आपने उसमें गाने भी डालने हैं, फाइट भी डालनी है, लोगों को एंटरटेन करना। तो जो बेसिक जो फिल्म के लोग थे वो पीछे हट गए और जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग थे वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए,
और ये ही एक रीजन था जो हमें हमेशा सुनने को मिलता था कि जी जो हम ये फिल्में देख रहे हैं इसमें ना हमें फिल्म मटेरियल बहुत लैक करता है, क्योंकि मेकर्स भी वही थे और वही लोग थे उसके अंदर जो जिनको आप छोटी स्क्रीन पे देखते थे उन्हीं को आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो कोई डिफरेंस लगता नहीं था। और उसकी बड़ी मिसाल देखें कि बाय द एंड ऑफ द डे मौला जट को ही लेके उन्होंने वो फिल्म बनाई और वो फिल्म ने एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। मतलब ये कि आपको दोबारा वही फिल्म रीमेक करना पड़ी जो जिसका कि आप लोग मजाक उड़ाते थे। उन्हीं लोगों के बाबरकत कदमों की खाक के सदके अल्लाह ताला ने आपको दोबारा से एक जन्म दिया। कहने का मकसद ये कि वो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या वो जो लोग थे वो बाकी फिल्म के लोग थे, उनको लोग फिल्म पे देखना पसंद करते थे, उनका एक ऑरा होता था जब वो स्क्रीन पे आते थे तो वो स्क्रीन बढ़ जाती थी। ये क्वालिटीज जो थी ना ये कुछ लोगों में होती थी जो समझते थे कि शायद यार हम लोग तो बस ठीक है और मेरे पास सब कुछ है तो मैं फिल्म भी बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। फिल्म की जो एक लुक है फिल्म हीरो की वो बहुत डिफरेंट है, उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो जब आप फिल्म को फिल्म लेके चलेंगे, फिल्म के एक्टर्स लेंगे, फिल्म के टेक्नीशियंस लेंगे, आप फिल्म बनाएंगे, और अगर आप टेलीविजन के जो लोग हैं या उनको लेके फिल्म बनाएंगे तो वो हमेशा एक मिसमैच रहेगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा यकीनन स्क्रिप्ट का भी बहुत फर्क पड़ता होगा, क्योंकि जब मौला जट इन्होंने बनाई है तो फिर वो पुराने राइटर इन्होंने मौला जट के ही लिए उन्हीं से लिखवाई फिल्म दोबारा, जो भी उसमें तब्दीली थी, तो ये भी एक है बात। देखें मैं आपको बताऊं फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भी होता है। आप हॉलीवुड की फिल्म देखें उसमें क्या स्क्रिप्ट होता है, एक एडवेंचर होता है, एक मिशन होता है, मैंने जाना है जी वहां से मैंने ये कीड़ा लेकर आना। अब ये एक कहानी है, लेकिन उसके अंदर फिर पर जब वो उसको थोड़ा सा एडवेंचरस करते हैं, उसमें सीक्वेंसेस डालते हैं, उसमें जनाब ऐसा हाई फाई किस्म का एक्शन करते हैं कि आप जो स्पेल बाउंड आप देखकर हैरान हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो उसकी मेकिंग बहुत डिपेंड करती, आपने मेकिंग कैसे करनी है, आपने फिल्म को लेके कैसे चलना है। हालांकि हॉलीवुड की फिल्म में कोई गाने नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद 1.5-2 घंटा वो ऑडियंस को ऐसे बांध के रखते हैं कि आप हिलते नहीं है। तो एक फिल्म एक स्क्रीन प्ले होता है, स्क्रिप्ट नो डाउट होता है, स्क्रिप्ट होता है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना उसमें काउंट करता है उसका स्क्रीन प्ले, कि आपने एक विद इन अ विंक ऑफ टाइम विद अ विंक ऑफ आई जो है ना आपने अपने ऑडियंस को ना थोड़ा सा हिलाना है। यू डोंट हैव टू गेट देम रिलैक्स कि ठीक है वो देख रहे हैं तो नींद आ रही, नहीं, उनको आपने हर 2 मिनट के बाद चौंकाना है, एक ऐसी पंच देनी है, एक ऐसा कोई टर्न देना है। तो ये एक गिमिक है, एक टेक्निक है, एक थ्योरी है तो जो जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तो स्क्रिप्ट है ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना सबसे ज्यादा लेविशनेस बहुत काउंट करती है। खैर अब तो वो भी खत्म हो गई है, अब तो पूरी फिल्म जो है ना वो VFX पे शूट होना शुरू हो गई है विद विजुअल इफेक्ट्स के साथ। एक शाम एक छोटे से कमरे में आधे से ज्यादा फिल्म बन जाती है, जैसे भी इंडियन फिल्म पठान बनी है उसका 70% जो है वो VFX पे शूट हुआ है। बट फिर भी वो जो रियलिटी है उसका मैच नहीं है, जो एक चीज रियल आप शूट करते हैं उसका अपना ही। दुनिया में जहां पर फिल्म मेकिंग हो रही है वहां पर अब बहुत ज्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व होने लगा है। आप देखें हॉलीवुड की फिल्म कितने बजट पे चली गई है, अब बॉलीवुड की फिल्म आप देखें वो कितने करोड़ लगाते हैं, 100 करोड़, 200, 300 करोड़, उसके बाद क्योंकि उनको पता है कि उनका वैसा टर्नअप भी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, अभी भी हम लोग जो है ना थोड़ा सा हमारा मुल्क गरीब है, हमारी इंडस्ट्री भी गरीब है, तो हमें उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके चलना पड़ता है जिसमें हम बहुत ज्यादा लविशनेस ना दिखा सकें। इसलिए हम उसको जरा सा थोड़ा सा एक फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज लेके तो उसको थोड़ा सा वो डेवलप करते हैं। सही, ये भी एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हमारे सिनेमा हॉल्स जो हैं उनको भी काफी हद तक रेनोवेट किया गया और काफी अच्छे हॉल्स बनाए गए सिनेमा हॉल्स और काफी सब फैसिलिटीज भी उसमें दी गई, लेकिन लोगों का और ज्यादा जाना जो है कम हो गया क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे होते हैं सिनेमा अगर आपने मूवी देखने जाना है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको कम किया जा सके सिनेमा के टिकट को, जितना कम से कम मतलब आवाम जो आराम से जाके देख सकती हो, अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो उनके लिए इजी हो जाना। नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, टिकट कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है ना तो लोग देखते हैं। मतलब ठीक है आजकल इतने एक्सपेंडिचर है, इतने एक्सपेंसिव है, 1000-1500 का टिकट क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहता। अगर आप उसके साथ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स ले लेते हैं तो पर हेड जो है ना 3000-4000 पड़ता है, तो वो आजकल की फैमिलीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इशू कभी भी नहीं रहा। इशू जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री बंद हुई या लैग हुआ
वो कंटेंट था, आपने लोगों को अच्छी फिल्म भी नहीं दी। अभी रिसेंटली मौला जट अच्छी फिल्म थी ना, तो उसने ऐसा बिजनेस किया कि आपकी सोच है, तो वहां पर तो किसी ने भी ये नहीं सोचा, हर किस्म की मासेज ने क्लासेस ने वो फिल्म देखी क्योंकि कंटेंट स्ट्रांग था, फिल्म अच्छी थी। तो फिल्म के लिए ये कहना कि जी टिकट ज्यादा, आई डोंट थिंक सो। अगर आप कंटेंट अच्छा देंगे तो लोग टिकट लेंगे, और मुनासिब टिकट है। अगर आप उसके रिटर्न में एक अच्छे एम्बियंस में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, साउंड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी हैं, तो उसके लिए ये टिकट कुछ भी नहीं। ठीक, जबरदस्त। अच्छा जी, तो अब आपके इस वक्त आपने बताया जैसे कि प्लान है आपका, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो आपकी जो मूवी है उस पे काम हो रहा है, कब तक रिलीज होगी? और पंजाबी? अब देखें जी, हाँ पंजाबी फिल्म है जट्टा तू मने, तो बस वो कोविड आ गया, फिर कोविड के बाद इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई, और अभी भी मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि कोई भी फाइनेंसर जो है ना वो थोड़ा सा घबरा रहा है। तो देखिए अब अल्लाह करे कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हालात अल्लाह करे इलेक्शन हो और एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट आए और स्टेबिलिटी आए मुल्क में, तो ये चीजें स्टेबल होंगी तो इंडस्ट्री को उसके बाद। सही से चले, गुड, जबरदस्त। और मैं बिल्कुल, मेरी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, अल्लाह करे आपको बहुत कामयाबी मिले आगे और आप अच्छा काम करके दें, और उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे आपने माजी में बहुत जबरदस्त काम किया है तो इसी तरह आगे भी आपका बहुत अच्छा काम होगा। और जब भी आपकी मूवी रिलीज होती है प्लीज मुझे जरूर मतलब मौका दीजिएगा कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें, मूवी में जो लोग हैं उनका इंटरव्यू कर सकें, इस मूवी को प्रमोट कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमने मूवीज की आपके करियर की तो बात की, थोड़ा सा फैमिली लाइफ पे आ जाते हैं। आपने माशाल्लाह खुशबू से शादी की, तो ये लव मैरिज थी आपकी? अच्छा, ग्रेट। तो किस तरह से मतलब ये सेट पे काम करते हुए हुआ था या फिर खानदान में तय हुई थी शादी? बस नहीं नहीं खानदान में तो तय नहीं थी, इसका भी मेरे ख्याल है कि ऑडियंस तो उसको पता है। बहरहाल वो फैमिली एंड मेहमान गई थी, मेरी वालदा ने मुझे उसको एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बेटे हैं आर्यन शायान, और अब तो बस उनका फ्यूचर देख रहा हूँ मैं। और वो माशाल्लाह वो बहुत दोनों बड़े मल्टी टैलेंटेड है। आर्यन जो है वो भी एक सीरियल भी कर रहा है माशाल्लाह। हाँ, मैंने सुना। और जी हाँ, और शायान जो शानी है छोटा वो अभी पढ़ रहा है, तो लेकिन उसके अंदर जो है ना वो उसकी ब्रीड उसके जो रूट्स में ना वो आउट एंड आउट एक्टिंग है, और ही इज अ गुड डांसर। बल्कि आजकल वो अपनी वीडियो जो अपलोड करता है वो माइकल जैक्सन से बहुत ज्यादा उसकी इंस्पिरेशन हो गई है। तो मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो इस तरह की देखें रिस्पेक्ट और एक स्टारडम के एक इंसान को इस दुनिया से गए हुए 20 से 25 साल हो गए हैं और आज भी उसके फैन है, बच्चे उसको कॉपी करते हैं। माइकल जैक्सन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने बच्चों को बहुत प्रमोट करता हूँ, मैं उनको बड़ा क्या बोलते हैं मतलब मैं उनको कभी हौसला छिकनी उनकी नहीं करता। आई ऑलवेज एनकरेज कि ठीक है आपका अगर ये शौक है आप करें, लेकिन स्टडीज भी साथ रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि आगे उनका क्या फ्यूचर है। इंशाल्लाह अच्छे ही जाएंगे, क्योंकि वही होता है ना कि आपको एक जेनेटिक्स में जो चीज मिलती है तो वो होती है। तो दोनों बच्चों का इस वक्त आपका प्लान यही है कि उनको शोबिस में ही लेकर आना है, उनका दोनों का इंटरेस्ट है। लेकिन पहले आर्यन ने माशाल्लाह अभी ओ लेवल्स कर लिया है, अभी प्रिपेयरिंग फॉर ए लेवल, और छोटा जो है वो अभी मतलब है कि स्कूल उसकी इज इन 8, तो अभी देखें पहले वो अपनी कुछ ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तो फिर कहीं नहीं गया, उसके घर का ही काम है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। सुनीति अरबाज साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला आर्यन को भी शायान को भी दोनों को भी बहुत कामयाबी दे और उनके भी इंटरव्यूज करने का इंशाल्लाह हमें मौका मिले कि हम उनसे बात कर सकें, उनको प्रमोट कर सकें। तो जरूर इन टच रहिएगा सर, और बहुत सारी बेस्ट विशेस जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा आपके लिए है, आपके काम के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। कतर से होता है ना? जी जी, कतर में तो हमारे बहुत पठान बरादरी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ी उनके लिए मैं पश्तों में उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रानो मीने वालो और कदरदानो और गुंतु तथा उसका हर कले वाई मां 1077 कतर बांधता सो माविश का सरदा प्रोग्राम जमा कतेशे और देशी और बस यो पास तास देते बस टिकम जे खुशहालों से और जदेर फखर महसूस को मचे जमा पुख्ता नरुना चिकन दिया हुई पे दुनिया के हर जी के फौरदी और देर फिर कर गई माशाल्लाह
او بس زما چې قطر ته چکر نه دلګې دلې خدای ان شاء الله جون دي تر نو زب قطر تر اعظم خپل ورونو سره ملاوي کوم او بس ستر ته مو شه خوشاله شه آباد شه بریالي شه الله په ما ډېر مې زبردست. اگر یہی آپ اردو میں بھی بول دیں تو یہ جتنے آپ کے فینس اردو سمجھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ آپ کو کیا چکر لگے گا کبھی آپ کا پورا انٹرویو اردو کے لیے تھا, اردو میں تھا, وہ تو میرے نئے فین. پورا پاکستان جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب میری زبانیں ہیں, میرے فین ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. تو جناب آپ سب سے اس اسٹارٹ اپ کے وساطت سے, اس پروگرام سے, مہوش کے گڈ آفیسز کے تھرو آپ سے بات ہوئی, بہت اچھا لگا. اور میں نے ابھی یہ کہا کہ اتفاقاً مجھے کبھی قطر آنے کا موقع نہیں ملا, تو انشاءاللہ زندگی رہی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آئیں گے اور سب سے ملاقات بھی ہوگی. بالکل, آپ جب بھی آئیں ہمیں ضرور انفارم کریں, ہم آپ کو انوائٹ کریں گے یہاں پہ آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. ڈیفینیٹلی ہمیں بہت اچھا لگے گا, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اسی طرح سے اچھا اچھا کام کرتے رہیں, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح آپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ کی چیزوں کو دیکھ کے. تو سر بہت بہت شکریہ. تھینکس الاٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.